के साथ तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का। अजमेर में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई, पटवारी कमलेश मीणा को ट्रैप किया गया है। 20,000 रुपए की घूस लेते दबोचा है एंटी करप्शन ब्यूरो ने। फर्म का मौका रिपोर्ट बनाने के एवज में घूस मांगी गई। ASP सतनाम सिंह ने दिया है इस पूरी कार्रवाई को अंजाम। तो अजमेर में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई हुई है, पटवारी कमलेश मीणा को ट्रैप किया गया है। 20,000 रुपए की घूस लेते एंटी करप्शन ब्यूरो ने घर दबोचा है। फॉर्म का मौका रिपोर्ट बनाने के एवज में घूस मांगी गई थी। ASP सतनाम सिंह ने दिया है इस पूरी कार्रवाई को अंजाम। तो लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो एक्शन में है। ताबड़तोड़ कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से की जा रही है और कोशिश और कवायद यही कि तमाम घूसखोरों पर नकेल कसी जा सके। और इसी कड़ी में अजमेर में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई हुई है, पटवारी कमलेश मीणा को ट्रैप किया है एंटी करप्शन ब्यूरो ने। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा है एंटी करप्शन ब्यूरो ने। हालांकि अभी जानकारी भी जुटाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा कि घूस टोटल कितने की मांगी गई थी, अब तक कितनी घूस एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से मांगी गई थी। ASP सतनाम सिंह ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, किस तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई में ACB को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और ACB ने कार्रवाई करते हुए जो किशनगढ़ है वहाँ का जो हल्का पटवारी है कमलेश कुमार मीणा और साथ ही इसके पास जो रलावत है उसका भी चार्ज है, तो ACB ने चार्ज कमलेश कुमार मीणा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल एक परिवादी ACB के पास पहुंचा था, उसने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी फर्म का मौका रिपोर्ट और नामांतरण रिपोर्ट P21 उपलब्ध करवाने की एवज में इससे लगातार घूस की डिमांड की जा रही थी, तो ACB ने इसका गोपनीय वेरिफिकेशन करवाया और वेरिफिकेशन करवाकर आज ACB ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जो घूसखोर पटवारी है कमलेश कुमार मीणा वो ACB की गिरफ्त में है, उससे ACB की टीम पूछताछ कर रही है। ये पूरी कार्रवाई ACB के जो एडिशनल SP हैं सतनाम सिंह, उनके निर्देश पर DSP प्रभुलाल कुमावत ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नवीन, क्या जानकारी लग पाई है कि घूस की कुल राशि 20,000 या इससे ज्यादा? देखिए, फिलहाल 20,000 रुपए की रिश्वत लेते ACB ने जो आरोपी है उसको ट्रैप किया, फिलहाल उस आरोपी से ACB की पूछताछ कर रही है। और भी कई खुलासे हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो ACB की टीम ने कुछ मौके से कुछ दस्तावेजों को जब्त किया उनके आधार पर यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है ACB कि जो घूसखोरी का काम है कब से कर रहा था और कौन कौन इसके लिए शामिल है। चलिए नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, इस पूरी कार्रवाई से जुड़ी तस्वीरें हैं जहां पर घूसखोरों को नकेल कसने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से कार्रवाई की गई है। घूसखोरों पर नकेल कसने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से ये कार्रवाई की गई है और घूसखोर पर नकेल कसते हुए ट्रैप की इस पूरी कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। 20,000 रुपए की घूस लेते घूसखोर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने धर दबोचा है। तस्वीरें भी जरा आप देखिए, इस पूरी कार्रवाई से जुड़ी ये तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरें आपकी TV स्क्रीन पर है।